अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सो दो दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, मेरे घर में गेस्ट थे और हैं भी इसलिए। मेरा मकसद ये था वीडियो बनाने का। अभी मैंने जो वीडियो अपलोड की थी सैलाबी लोगों के बारे में, उस पर बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स में मुझे एक बुरा भला कहा सिर्फ शहबाज़ शरीफ की वजह से। इसके लिए सिर्फ एक ही एग्जांपल है कि जैसा दरख्त वैसा फल, ठीक है। जैसा उनका लीडर होगा वैसी उनकी ज़बान होगी, सपोर्टर्स की उनके वैसे ही सब कुछ होगा। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के सपोर्टर हैं और हमें तहजीब है लोगों से बात करने की और लोगों की इज़्ज़त करने की, लेकिन इन लोगों में नहीं है क्योंकि ये अपने लीडर पर गए हैं। इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। आप लोग जब बिल्कुल हक पे हो, उसने हमें झुकना नहीं सिखाया, उसने हमें ये सिखाया है कि हम एक आज़ाद कौम है, मुसलमान कौम है, हम किसी के आगे नहीं झुकते। ये तो सब ने वीडियोस देखी होंगी कि जब वो लोग अमेरिका या कहीं जाते हैं, वो आगे जाके उनके आगे ऐसे झुक के सलाम करते हैं। हमारे इमरान खान ने ऐसा नहीं किया था। बहुत पॉपुलर ये वीडियो गई थी और सब ने ही तकरीबन देखी है टिकटॉक पर। वो नहीं झुकता और ना हमें कभी झुकने देगा किसी के आगे। वो कायदे आज़म का एक दूसरा अल्लाह ताला ने हमें भेजा है ऐसा लीडर कि जो हमें काफ़रों के आगे और उन अंग्रेज़ों के आगे नहीं झुकने देता। ये लोग तो सारा सारा पूरा साल वहीं अंग्रेज़ों के नीचे पड़े रहते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। इनको तो अपने पाकिस्तान का कोई होश हवास होता नहीं है। जब वोट होने लगते हैं तो तब ये लोग पाकिस्तान आ जाते हैं, तब इन लोगों को अपना पाकिस्तान याद आ जाता है। वैसे तो ये लोग अंग्रेज़ों के पास ही पड़े होते हैं। हमारा इमरान खान जिसने हमारे मुल्क की खातिर अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो कहती थी कि आप ये सारे मसले छोड़ो, हमारे पास आ जाओ, उधर ही आके रहो, आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तान के बाहर। लेकिन उसने हमारे पाकिस्तान के बारे में सोचा। उसको क्या था, वो इतना अरसा उसने हमारा वेट किया कि एक ना एक दिन मुझे हुकूमत ज़रूर मिलेगी। उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया, तो क्या हम लोग उसकी कदर नहीं करेंगे, उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे कि उसने हमारी खातिर ऐसा किया है। प्लीज़ अपने दिमाग को थोड़ा ठिकाने पे लाएं। सोई हुई कौम, जाग जाओ, अभी भी वक्त है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये महंगाई, ये सब कुछ बिल्कुल सेट हो जाएगा, सिर्फ एक बार इमरान खान के आने की देर है। प्लीज़ इस चीज़ के बारे में सोचें, ख्याल करें। वैसे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह उसके 600 से भी ऊपर मिलियंस पे टिकटॉक पे जाके हैशटैग देखो कि उसके सपोर्टर आ रहे हैं, ठीक है। इतने किसी के भी नहीं हैं। हमारे जितने भी पाकिस्तानी लीडर्स रहे हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, डीजल वीजल, ये जो भी सारे लटर पटर हैं, इन सब के जाके देखो कि यहाँ तक के जो मरियम नवाज़ है जिसके पीछे लोग इतना वो होते हैं, उसके भी इतने वो नहीं हैं फैंस फॉलोइंग नहीं है जितने इमरान खान की है। इसलिए हम लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसकी कदर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।